तो गाइस आज बनाई थी मैंने चाय कॉफी वाले कप में, और मेरा बहुत मन था मैं चाय बनाऊं। मेरी मेरी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मम्मा को भी। चलो पी के देखते हैं कैसी है। वैसे मैंने आधी तो पी ली है, बस थोड़ी सी रहती है। चलो एक बिस्किट रहता है, सारा पेट प्लेट भर के बिस्किट डाला है मैंने, यहाँ पर बस एक ही रहता है। मम्मा के लिए बचा देता हूँ। हाँ मम्मा की चाय। मम्मा हाँ जी, मम्मा आपकी चाय ठंडी हो मेरी गई, चाय दे दो। और चाय एक के आपके लिए बगैर बिस्किट। एक बिस्किट, पूरी प्लेट बिस्किट की खाली। आरव, और बिस्किट पड़े होंगे ना बॉक्स में, वो निकाल देती हाँ हूँ। मगर वो तो क्या बात कर रहे हैं आरव, सारे मैं बिस्किट खाली हैं। और अब खा मैं बिना खाली चाय ना, मुझे बिल्कुल भी पीने में अच्छी नहीं लगती। हमेशा चाय के साथ कुछ बिस्किट जरूर खाने चाहिए। और वैसे मेरे नानू मुझे बोलते थे कि खाली पेट अगर आप चाय पी रहे हैं और बिस्किट वगैरह नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं आपको चाय से एसिडिटी हो जाती है। तो आप भी अपनी चाय के साथ बिस्किट या रस कुछ भी जरूर लिया कीजिए। अब मेरे बच्चे इतने महान हैं, मेरे घर के सारे बिस्किट खा गए हैं ये। क्या गाइस आपके घर में भी ऐसा होता है कि बच्चों के हाथ में बिस्किट लगने की देर है तो उनको रोटी नहीं खानी भूल जाते हैं, वो रोटी नहीं खाते हैं, बस उन्हें बिस्किट खिला दो, चाय खिला दो, बिस्किट खिला दो। और गाइस फेस्टिवल सीजन है, गेस्ट आ रहे हैं, बार बार इन बच्चों को क्या बोले, ये मानते ही नहीं है, सारे के सारे बिस्किट चट कर गए हैं। मम्मी आप बड़ी बातें कर रहे हो। अच्छा हाँ जब जी, आप इतना सब कुछ बना लेते हो, और एक बिस्किट बिस्किट एक बिस्किट, दो चार बिस्किट भी नहीं बना सकते आप? ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है गाइस, इतना कुछ बना लेते हैं तो आज क्यों ना बिस्किट बनाए जाएं घर पे। तो चाय के साथ बनाते हैं बहुत ही बढ़िया से बिस्किट, फटाफट से बन जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। ये वाला फिर मैं खा लेता हूँ। चलो कुकीज बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक बड़े से बाउल में ले रही हूँ मेल्टेड बटर। तो जब भी हम कोई कुकीज बनाएं या कोई हम केक बनाएं, तो ध्यान रखना है कि जो भी बटर का यूज करें वो हल्का मेल्टेड होना चाहिए। मेल्टेड बटर डालने के बाद मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया है 1/4 कप शुगर। तो जो भी आप चीनी का यूज करेंगे वो ध्यान रहे पिसी हुई चीनी आपने यूज करनी है, शुगर पाउडर यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद अब हमने इसको बहुत ही बढ़िया सा मिक्स करना है। तो यहाँ पर जो कुकीज बना रहे हैं उससे बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका क्या है, जो आपने बटर और शुगर को मिक्स करना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स होनी चाहिए, तभी आपकी जो कुकीज हैं या आपकी जो कुछ भी आप बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तभी निकलेगा जब आप बैटर को परफेक्टली मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काफी अच्छे से इसे मिक्स किया है और इसका बिल्कुल कलर जो है डिफरेंट हो चुका है। उसके बाद आप इसके बीच में मैदा का यूज करें। तो यहाँ पर मैंने मैदा जो यूज किया है वो कर रही हूँ मैं 2 कप मैदा। तो आपको मेजरमेंट में बता रही हूँ, साथ के साथ उसे नोट करके बनाइएगा तभी उसका टेस्ट परफेक्ट आएगा। 2 कप मैदा डालने के बाद 1/4 कप हमने कोको पाउडर और 1.5 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज किया है। तो ध्यान रखिएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालना है यहाँ पर। तो सभी को अच्छे से हम छन्नी में छान कर यूज करेंगे ताकि कोई भी जो लम्स हो इसके बीच में वो ना आए। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं कुकीज बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से घर पर बन जाती है, बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कुकीज बनाना कितना आसान है। तो सारे बैटर को हमने बहुत ही बढ़िया सा कर दिया है मिक्स। तो इसके अंदर हमने बटर डाला था, तो आप देख सकते हैं हल्की फुल्की बाइनिंग तो इसमें बटर से आ रही है। और बाकी का डो हम गूंदने के लिए यूज करेंगे रूम टेम्परेचर का मिल्क। ध्यान रखने वाली बातें हैं, रूम टेम्परेचर का मिल्क, मिल्क जो है बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे से जो टिप्स हैं अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो कुकीज हैं बिस्किट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके बीच में दूध डाला है और इसे एक प्रॉपर डो की तरह हम बनाकर तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए जी अब बताते हैं आगे का प्रोसीजर। तो यहाँ पर मैं बेक करूंगी इसे पहले अवन के अंदर। तो अवन की ट्रे ले ली है, उस पर मैंने लगा लिया फॉइल पेपर। फॉइल पेपर लगाने के बाद
बिल्कुल हल्का सा ऑयल, बिल्कुल नाममात्र ऑयल ब्रश से मैंने अच्छे से फेंट दिया है ताकि बढ़िया कुकीज हमारी बेक हो। और अब हम क्या करेंगे, अपने डो में से छोटी छोटी सी बॉल बनाएंगे और इन्हें हाथों से फ्लैट करते हुए, आप देख रहे हैं किस तरह मैं फ्लैट कर रही हूँ, इस तरह की हमने अपनी कुकीज बनाकर तैयार करनी है। तो ध्यान रहे जब भी आप ये कुकीज बना रहे हैं तो साइज थोड़ा छोटा ही बनाकर तैयार करें, क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे तो ये अपने साइज से बड़ी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, बिल्कुल ही जितना साइज आप इसे बनाएंगे उससे बिल्कुल बड़ी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो उसी अकॉर्डिंग आप इसे साइज दें, और जब भी आप इसे बेक करने के लिए ट्रे में रखें तब आपको ध्यान देना है कि ट्रे में रखने में इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे वो साइज प्लस होगा तो ये फैल जाएंगे और आपस में चिपक जाएंगी। तो ये गलती मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कुकीज बेक कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप उसे रखें। और अब मैं यहाँ पर चोको चिप्स लगा रही हूँ इसके ऊपर से, तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी चॉकलेट कुकीज बनकर यहाँ पर हो चुकी है रेडी। तो अब हम इसे करेंगे बेक, और बेक करने के लिए क्या टाइमिंग है, क्या टेम्परेचर है, ये सब मैं आपको बता देती हूँ। टेम्परेचर देख सकते हैं, टेम्परेचर मैंने रखा है 175, और जो टाइमिंग मैंने रखी है, टाइमिंग मैंने रखी है 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के अंदर जो आपकी कुकीज हैं बहुत ही बढ़िया से बेक हो जाएंगे। और जब भी आप कुकीज को बेक करें ध्यान रखें ओवन को प्री हीट जरूर कर लें, एक बार प्री हीट करने के बाद ही आप इसे कुकीज को बेक करने के लिए रखें। तो जैसे जैसे ये बेक होंगी आप देखेंगे इनका साइज भी बड़ा हो रहा है और बहुत ही बढ़िया से इसके बीच में क्रैक्स आ जाएंगे। ये जो क्रैक्स आ रहे हैं ये निशानी है कि आपकी जो कुकीज हैं बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो चलिए जितनी देर ये बेक हो रही हैं दूसरी तरफ अब हम कढ़ाई में बेक कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या करना है वो भी प्रोसीजर बता देती हूँ। एक नॉर्मल स्टील की प्लेट लें, उसमें जरा सा आप चाहें तो ऑयलिंग कर लें, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ऑयलिंग करने के बाद अपने कुकीज रखें, फिर वही प्रोसीजर की कुकीज को थोड़ा थोड़ा दूरी पर रखें, और कढ़ाई को भी आपने प्री हीट करना है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, जो भी आप कढ़ाई यूज कर रहे हैं, कुकर यूज कर रहे हैं, उन्हें प्री हीट करेंगे और इसके बीच में अपनी प्लेट को रख देंगे। और आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आपके जो कुकीज हैं बहुत ही बढ़िया से बेक हो चुके हैं और कितने यमी लग रहे हैं देखने में। देखा आपने साइज इनका प्लस हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कढ़ाई वाले तो बेक हो चुके हैं, साथ ही साथ अवन वाले भी हमारे बेक हो चुके हैं। और चलिए अब हम इन्हें करेंगे बहुत ही बढ़िया सा सर्व। तो यहां मैं यूज कर रही हूँ मिल्की बार चॉकलेट और डेरी मिल्क चॉकलेट। तो अब चलिए इनको मेल्ट करते हैं और बहुत ही बढ़िया सा डिजाइन बनाएंगे। तो मेल्ट कैसे करेंगे ये बताती हूँ। तो यहां पर मैंने लिया है एक फ्राई पैन और इसमें रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, और गर्म पानी में हम अपनी चॉकलेट्स को डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया सी मेल्ट हो जाएगी। तो देखा है ना बहुत ही आसान तरीका अपनी चॉकलेट को मेल्ट करने का। तो चॉकलेट तो हमने मेल्ट कर ली है तो अब इसे डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है व्हाइट चॉकलेट, और व्हाइट चॉकलेट के ऊपर इसे इस तरह से मैंने डाल दिया है और ऊपर से डाल दिया है कलरफुल स्प्रिंकल्स। और यहाँ पर मैंने यूज किया है डेरी मिल्क चॉकलेट और उसको भी इसके ऊपर से डाल देंगे, एक डिजाइन बना देंगे बहुत ही बढ़िया सा, और ऊपर से फिर से स्प्रिंकल्स डालेंगे। अच्छा ये सारे पार्ट्स ना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे चॉकलेट से डेकोरेट कर दिया है, थोड़ी सी ना चॉकलेट बच गया है तो मजे से खा लेना, बहुत मजा आता है ऐसे मेल्टेड चॉकलेट खाने का ना। और आरव घर पे नहीं है तो मैं आराम से खा सकती हूँ। तो चॉकलेट का एंजॉय करते करते आपको बिस्किट दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सी बिस्किट जो हैं, चॉकलेट कुकीज जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखने में इतने यमी, इतने टेस्टी कुकीज लग रहे हैं कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है इनको सर्व करते हुए। और यकीन मानिए सर्व करते करते साथ ही साथ मैं इसे खा भी रही थी, बहुत ही यमी बने हैं, बहुत ज्यादा यमी कुकीज। क्यों ना अपने घर पर कुकीज को बनाया जाए, खाया जाए और इंजॉय किया जाए। बहुत ही बढ़िया हमारे चॉकलेट कुकीज बनकर तैयार हो चुके हैं, और देखा कितना आसान था इसको बनाना, कभी सोचा है कि इतनी आसानी से हम बिस्किट घर पे बना सकते हैं। तो देखिए वीडियो में बने रहें और आपके लिए हम हर बार नई से नई वीडियोस लाते रहेंगे, कुछ नया लाते रहेंगे, ताकि आप भी अपने घर पर ऐसे कुकीज बनाकर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। आप जब होममेड बिस्किट आप किसी को गिफ्ट करेंगे तो उसके बाद वो खाने की खुशी ही कुछ अलग होती है। तो आप भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें,
और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।